बच्चे प्रिंसिपल सर के रूम में जाते हैं। एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस? मिस्टर अहमद आस्क इन अ थंडरिंग वॉइस, यानी बिजली की तरह गरजते हुए, कड़कड़ाती हुई आवाज़ में उन्होंने पूछा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसने की यह गलती? वी लुक्ड एट वन अनदर, हम एक दूसरे का मुंह देखने लगे। नो वन कुड से अ वर्ड, और हम में से कोई भी एक भी वर्ड नहीं कह पाया। मिस्टर अहमद रेज्ड हिज वॉइस और ज़ोर से कहा, वाई डोंट यू एनी ऑफ यू स्पीक अप, तुम में से कोई बोलता क्यों नहीं है? स्पीक अप मीन्स स्टॉल अ ग्लैंस एट का मीनिंग है। क्विकली लुक्ड एट एन कोर्ट यार्ड, एन एम्प्टी ओपन प्लेस इन द मिडल और एट द बैक ऑफ बिल्डिंग। एंड थंडरिंग मीन्स लाउड एंड एंग्री वॉइस। स्पीक अप मीन्स एक्सप्रेस वन सेल्फ ऑनेस्टली, यानी ईमानदारी से कुछ बोलना। स्पीक अप ये फ्रेजल वर्ब है। स्पीक बेसिकली एक रूट वर्ब है जिसका मतलब है बोलना, टू से, टू टेल समथिंग। बट व्हेन यू पुट द प्रपोजिशन विद दिस स्पीक अप एंड इट बिकम्स अ फ्रेजल वर्ब, इट मीन्स एक्सप्रेस वन सेल्फ ऑनेस्टली, यानी सब कुछ सच सच बताना। एंड कोरस्ड मीन स्पॉक टुगेदर, एक साथ कुछ, एक साथ लहजे में कुछ कहना। एंड विद अ सिंकिंग फीलिंग, विद अ फीलिंग दैट समथिंग बैड इज़ गोइंग टू हैपन, ऐसी फीलिंग आना जिसमें ये लगता है कि कुछ बुरा, कुछ ख़तरनाक होने वाला है। तो ज़ोर से गुस्सा हो रहे हैं प्रिंसिपल सर, मिस्टर अहमद सर गुस्सा हो रहे हैं और पूछ रहे हैं कि तुम में से कौन जिम्मेदार है इसके लिए, किसने किया ये सब कुछ, किसने अंकल की कैब को नीचे गिराया और उन्हें परेशान किया, और कोई भी नहीं बोल रहा है। आई रिप्लाइड, मैं जो स्पीकर है उसने कहा, आई रिप्लाइड सर वी आर सॉरी, हम सभी इसके लिए शर्मिंदा हैं, वी शेयर फ्यूचर, हम आगे से ध्यान रखेंगे। मिस्टर अहमद सेड अपोलोजाइज टू दिस जेंटलमैन, इन अंकल से सॉरी कहो, इनको, इनसे माफ़ी मांगो। अपोलोजाइज का मतलब है माफ़ी मांगना। एंड यू से सॉरी, इट मीन्स वी आर नॉट अपोलोजाइजिंग, वी आर सेइंग वी आर शैम, वी आर फीलिंग शैम ऑन आर एक्शन। व्हेन यू से आई अपोलोजाइज मीन्स हम माफ़ी मांग रहे हैं ना, आई अपोलोजाइज, सो अपोलोजाइज टू दिस जेंटलमैन, अंकल से माफ़ी मांगो, ऑल ऑफ यू, तुम सभी। वी कॉरस, यानी एक साथ लहजे में बोले, वी आर वेरी सॉरी सर, सारे बच्चे एक साथ बोले। ओके बॉयज, द मैन सेड ही लुक्ड हैप्पी, और अंकल थोड़ा खुश नज़र आए। एंड मूव टूवर्ड्स द डोर, और दरवाजे की ओर मुड़े जाने लगे। जस्ट एज वी वर गोइंग आउट, जैसे ही हम बाहर जाने लगे, मिस्टर अहमद आस्क्ड अस, हुज स्टॉक वॉज इट, ये किसका स्टॉक था, यानी स्टॉक, ये स्ट्राइक किसने किया था, यानी किसने गिल्ली को मारा था। आई लुक टूवर्ड्स कुणाल, मैं कुणाल की तरफ देखने लगा। ही वॉज लुकिंग एट मी, और वो मेरी तरफ देख रहा था। माई हार्ट वॉज बीटिंग फास्टर एंड फास्ट, और प्रिंसिपल सर के गुस्से की वजह से मेरा दिल धक धक करने लगा, धड़कने तेज़ हो गई। बट हाउ कुड आई ब्लेम माई फ्रेंड, लेकिन मैं अपने फ्रेंड का नाम कैसे ले सकता था? मैं नहीं चाहता था कि उसको और ज़्यादा स्कोल्ड किया जाए, डांटा जाए। विद अ सिंकिंग फीलिंग, और बहुत बुरा फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि मानो कुछ ख़तरनाक पनिशमेंट मिलने वाली है सर की तरफ से। आई डिसाइडेड आई वुड टेक द ब्लेम, और मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना नेम लेता हूँ। ये एग्जाम्पल ऑफ गुड फ्रेंडशिप। स्पीकर नरेटर एक अच्छा दोस्त है कुणाल का, वो अपने दोस्त को पनिशमेंट से बचा रहा है, लेकिन हर बार ये अच्छा नहीं होता है कि हम किसी को टीज करें, परेशान कर दें और अपनी गलतियों को छुपाते रहें, जबकि बींग ए वेरी गुड फ्रेंड। फ़ौरन उसी प्लेस पर स्पीकर को चाहिए था कि कुणाल से कहे कि हम, जैसे कि उन सारे बच्चों, अच्छे बच्चों की तरह उन्होंने सॉरी कहा ही था। वेल आई लुक टूवर्ड्स कुणाल, ही वॉज लुकिंग एट मी। वेल आई डिसाइडेड आई वुड टेक द ब्लेम, मैं अपना नाम लूँगा। आई ओपन माई माउथ टू रिप्लाई, मैं अपना नाम लेने वाला था और मैं कुछ कहने ही वाला था। बट कुणाल वॉज क्विकर, लेकिन मुझसे पहले कौन बोल पड़ा? कुणाल, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। सर इट वॉज माई स्ट्रोक, ये मेरा स्ट्रोक था, यानी मैंने गिल्ली को मारा था। आई एम वेरी सॉरी। वॉट अ स्ट्रोक, मिस्टर अहमद एक्सक्लैम्ड,
मिस्टर अहमद प्रिंसिपल ने कहा, व्हाट अ स्ट्रोक, क्या शॉट लगाया। इट वाज लाइक द गिली हिट अ मैंस कैप, द कैप फॉल्स एंड देन द गिली लैंड्स इनसाइड इट। यानी गिली उसके टोपी में, उस कैप में जा गिरी। अ मास्टर प्लेयर, नो डाउट, कोई शक नहीं है कि तुम बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हो, ऐसे एक्सक्लेम किया उन्होंने, प्रिंसिपल सर ने। आई कुड नॉट कंट्रोल माई लाफ्टर, और ऐसा कॉम्प्लीमेंट सुन के मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू लाफ, लेकिन मैं हंसना नहीं चाहता था इन द प्रिंसिपल्स प्रेजेंस आइदर। लेकिन फिर भी मैं प्रिंसिपल सर के सामने हंसना नहीं चाहता था। सो विद ग्रेट एफर्ट, बहुत कोशिश करके, आई मैनेज्ड अ वाइड स्माइल, मैंने कोशिश की और मैं सिर्फ मुस्कुरा के रह गया। बट वी वर ईगर टू गो आउट एंड हैव अ हार्टी लाफ, और जैसे ही हम बाहर निकले, वी वर ईगर टू गो आउट, हम चाह रहे थे कि हम फौरन से बाहर निकल जाएं ऑफिस से। ईगर मीन्स वेरी कीन, वेरी वेरी विलिंग। वी वर ईगर टू गो आउट एंड हैव अ हार्टी लाफ, बहुत दिल खोल के हंस पड़ना। द मैन विद द तुर्किश कैप ऑल्सो टर्न अराउंड एट दिस डोर, और वो तुर्किश कैप वाले अंकल भी डोर की तरफ मुड़े। ही टू लुक्ड अम्यूज्ड, वो भी हल्का सा खुश महसूस कर रहे थे। ही टू लुक्ड अम्यूज्ड, यानी वो भी थोड़ा सा खुश दिख रहे थे। एंड ही वॉज ऑल, यू कैन से ही वॉज ऑल्सो लुकिंग इंटरटेन्ड, अम्यूज्ड मीन्स इंटरटेन, थोड़ा सा उनका भी इंजॉयमेंट हो गया था। स्टिल स्माइलिंग ही वेंट अवे, और वो भी मुस्करा के चले गए। द ट्रूप्ड आउट ऑफ द रूम, वी ट्रूप्ड आउट ऑफ द रूम, वी ट्रूप्ड आउट यानी एक ग्रुप में बाहर जाना, हम ग्रुप बना के फौरन प्रिंसिपल सर के ऑफिस से बाहर निकले। देन वी बस्ट आउट लाफिंग, और ज़ोर से हंसे, बस्ट आउट लाफिंग यानी हंसी का ठिकाना नहीं रहा, हम ज़ोर से हंस पड़े। सो इट वॉज द सीन ऑफ सम स्टूडेंट्स हु वर प्लेइंग इन द कंपाउंड एंड दे मेट द तुर्किश कैप फॉरन एंड द गिली बॉयज इन साइड द कैप एंड इवन इन द लास्ट द प्रिंसिपल वॉज वेरी हैप्पी एंड ही सेड, ही एक्सक्लेम, व्हाट अ शॉट इट वॉज। एंड ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स वेंट आउटसाइड द ऑफिस एंड दे बर्स्ट इन लाफिंग एंड द मैन वॉज ऑल्सो हैप्पी whose cap was fallen down, because the students, the boys were very sincere. They felt sorry on the spot. उन बच्चों ने फौरन ही सॉरी कहा था, इसलिए वो अंकल भी ज़्यादा परेशान नहीं हुए। सो इट वॉज द चैप्टर अबाउट तुर्किश कैप एंड इट टॉट अस ऑल्सो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड बींग वेरी सिंसियर। और हमें ये भी सिखाता है कि जब हम किसी को हर्ट कर दें तो हमें अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे से डिसाइड करना चाहिए कि हम ऐसा नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे।